क्योंकि दोस्तों देखिए, ये जो रिसर्च है ना, ये हर 5 साल में बदलते रहते हैं, हर 5 साल में। यानी कि सरकार जैसे ही अपना चुनाव कर लिया तभी ये अपना प्लान चेंज करेंगे। ये कंपनी वाले जियो बोलो, एयरटेल बोलो, ये सभी एक साथ कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, जियो और एयरटेल का रिसर्च प्राइस बढ़ चुका है, आप सभी को पता होगा, क्योंकि 3 जुलाई से ये प्राइस जो है हाई हो चुका है। अब ऐसे में गाइस, आप लोग सोच रहे होंगे कि BSNL पर पोर्ट करे, ठीक है ठीक है, आपका सिम जो है नेटवर्क बदल ले, स्विच कर ले, ठीक है, या फिर वोडाफोन, क्योंकि वोडाफोन तो एक अलग कंट्री का नेटवर्क है, तो उस पर तो आप नहीं जाएंगे। तो एक ही ऑप्शन है गाइस, आप चाहे BSNL पर आ सकते हैं या फिर BSNL का ब्रॉडबैंड यूज़ कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो गाइस, इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना, ठीक है। तो सबसे पहले गाइस, हम बात करेंगे BSNL के प्राइसेस के बारे में, क्योंकि BSNL का जो नया प्राइसेस है काफ़ी सस्ती है और चीप है। तो सबसे पहले गाइस, हम बात करेंगे BSNL के नया ऑफर, यानी कि इसका जो रिचार्ज प्लान है 108 से शुरू होता है और 1.5 GB 1 GB करके 28 डेज के लिए अवेलेबल है, ठीक है। और 199 का रिचार्ज प्लान है, इसमें आपको 2 GB करके 70 डेज के लिए अवेलेबल है, ठीक है। और अगर बात करी जाए गैस, अगर आप चाहे तो BSNL ब्रॉडबैंड भी लगा सकते हैं, क्योंकि 499 का आता है BSNL ब्रॉडबैंड का, ठीक है। क्योंकि दोस्तों देखिए, BSNL कैसे चलता है, BSNL सिम तो नहीं चलता है इनका, लेकिन एक चीज चलता है वो है अगर BSNL इंटरनेट, जो कि ब्रॉडबैंड है, उसी से BSNL चल रहा है, ठीक है। वो उनका स्पीड अब देखेंगे ना, उसका 5 GB कंपेयर टू 5G वो भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो वायर केबल बिछाना पड़ता है, केबल से जो ब्रॉडबैंड रहते हैं, ठीक है, आप उसी से BSNL 499, ठीक है, या फिर 599 का प्लान है मिनिमम, उसी से आप स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। वो अनलिमिटेड रहेगा, ठीक है। अगर आप लोग फाइबर लगाना चाहते हो तो BSNL का फाइबर भी है, या फिर गैस जियो का फाइबर भी लगा सकते हो आप लोग, वो भी 599 में अवेलेबल है, अप टू 1000 GB, यानी कि 1000 GB इस्तेमाल कर सकते हैं आप लोग। BSNL अभी 3G पर चल रहा है, ठीक है, और यहाँ पर अगर 4G पे अपग्रेड कर दी जाए, ठीक है, तो हर कोई पोर्ट करने के लिए मजबूर होगा BSNL पर। अगर जियो और एयरटेल का प्लान वही रहा तो हर कोई पोर्ट करेगा। और एक चीज़ हमने भी नोटिस की है गाइस, BSNL का रिचार्ज करने के लिए भी नेटवर्क की ज़रूरत होती है, ठीक है। अगर BSNL फ़ोन पर ही नेटवर्क नहीं है तो वो रिचार्ज सक्सेसफुली नहीं होता है, ठीक है। अभी फ़िलहाल जो कुछ इलाकों में ये प्रॉब्लम शो कर रहा है, अगर फ़ोन पर नेटवर्क नहीं है तो वो रिचार्ज सक्सेसफुल नहीं होगा और पेंडिंग रहेगा। तो ये प्रॉब्लम फेस देखने को मिल चुका है हमें, ठीक है। अगर आपको सस्ते में अगर रिसर्च की ज़रूरत है, ठीक है ना, तो उसके लिए मैं एक ट्रिक का इस्तेमाल किया हूँ, जिससे मैं ऑलरेडी एक वीडियो में इसके ऊपर डिस्कस करी है, ठीक है, कैसे आप लोग 100 रुपीज़ डिस्काउंट करके आप लोग रिसर्च कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। इसमें गैस आपको सिर्फ एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, ठीक है, और जिसके द्वारा आपको 200 रुपये मिलेंगे, और 200 में से आप कस्टमर को 100 रुपये डिस्काउंट देना और आप 100 रुपये रख लेना, ठीक है। वो इस एप्लीकेशन का नाम है गैस ऐप स्टॉक एप्लीकेशन, क्योंकि ये रेफर है ना, सिर्फ आपको आधार पैन कार्ड से KYC करना पड़ता है और एक फ़ोटो खींचनी पड़ती है, ठीक है। अगर फुल वीडियो सही है तो आप लोग मेरे चैनल पर जाकर विजिट करके देख सकते हैं, और मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, ठीक है, जहाँ से आप लोग 100 रुपये डिस्काउंट में ले सकते हैं रिसर्च।
क्योंकि दोस्तों देखिए, ये जो रिसर्च है ना, ये हर 5 साल में बदलते रहते हैं, हर 5 साल में। यानी कि सरकार जैसे ही अपना चुनाव कर लिया तभी ये अपना प्लान चेंज करेंगे, ये कंपनी वाले, जियो बोलो, एयरटेल बोलो, ये सभी एक साथ कर लेते हैं। ये तो पहले क्या होता था कि 2017 में 35 से रिसर्च सिर्फ इनकमिंग आउटगोइंग कॉल एयरटेल का 35 ही था। अब बढ़ते बढ़ते उसके बाद हो गया 59 ऐसा कुछ, तब उसके बाद 75, फिर उसके बाद 155, अभी फिलहाल 200। ठीक है, तो कोई कोई तो रिचार्ज 200 रुपये कौन करेगा, कोई कोई लोग 200 रुपये रिचार्ज नहीं कर पाते। तो यही प्रॉब्लम है एयरटेल और जियो का। जियो का तो देखिए, आप लोग रिचार्ज भी नहीं करेंगे ना तब भी इनकमिंग आएगा, ठीक है ना। और एयरटेल का बोलो मतलब कि 6 दिन में आउटगोइंग ख़त्म, फोन ही नहीं आएगा, बंद हो जाएगा एयरटेल में। तो यही प्रॉब्लम है। तो यही तक आज एक छोटा सा इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर किया है। PSNL आप कौन सा नेटवर्क चूज़ करेंगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। हमें बस इंफॉर्मेशन, क्योंकि ये वीडियो, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये ट्रेंडिंग में चल रहा है, इसलिए आप लोगों के साथ शेयर किया। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मैं बताऊँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।